ओ तेरा दिमाग खराब है, वे किथे बैठे हैं? इधर आ, चल इधर। इधर क्यों बैठा हुआ है यार? गिर जाएगा, मैं कह रहा हूँ ना, ये को बैठने की जगह एड्डी बड़ी छत छाड़ के इथे बैठे हैं। चपेड़े पढ़नी चाहिए, ये हरकतें तो सही नहीं है यार। के आपको थोड़ा बहुत डांट डपट हो तो आप बाहर निकल जाओ, भजन वाली आदत नहीं सही। और वैसे भी मामू नदीम को कॉल करके बताएं इसकी ये हरकत। भाई जान, पराठे ही पराठे, पराठे ही पराठे, क्यों ही क्यों, क्यों ही क्यों, तोबा तोबा तोबा, अभी मुझे टिश्यू से साफ करना पड़ रहा है अपने पराठे के ऊपर से जी, फिर इसको खाना शुरू करता हूँ। अच्छा, मेरी सालियों में ना सबसे ज्यादा पढ़ाकू लड़की ये दारा है, और माँ जी ने नमाज पढ़ी है। किधर रुक करके? जहाँ पे बैठी हुई है उधर ही। इधर रुक करके नमाज पढ़ी है? माँ जी इस तरफ नहीं है काबा, इस तरफ है काबा। आपको किसने कहा इस तरफ? किसने कहा है आपा? आपने नहीं बताया? तो उन्होंने पढ़ भी लिया, आपको पता नहीं चला? इस तरफ मैं लागे ही नहीं थी, दसो मैं। कवल भी आई है, उन्हें भी नहीं दसिया मैं। तूने भी नहीं बताया? नहीं, मुझे तो लगा वैसे बैठी हुई है। वैसे बैठी, वो नमाज पढ़ बैठी है। कौन सी? आपने जोर की नमाज पढ़ी है ना? ओए होए, कह कि नेरे च क्यों पार्टी उन्नू? मैं क्या? अच्छा, मैं कहा तन्नू कहनी नेरे च क्यों पार्टी? एने भी देखया, एने भी कोई नहीं क्या कहता, बैठी दिया। माँ जी इस तरफ है काबा, आपको ना मुझे लगता है दोबारा से नमाज पढ़नी पड़ेगी। हाँ जी, दोबारा से आपको नमाज पढ़नी पड़ेगी। आपको बता देना चाहिए था जब वो नमाज पढ़ रहे। अम्मी ने पूछा तो मैंने इस तरफ इशारा किया कि इस तरफ को पढ़नी। ये देखो इशारा, इशारा चेक कर, इशारा नहीं नहीं, इशारा चेक कर, आपका अभी भी इशारा, आपका अभी भी ऐसे जा रहा है। पूछते थे ना बाजार किधर है, तो बाजार इधर को, उधर ही कहते थे इधर, इस तरफ। आपा के इशारों वाले सेल खराब हो गए हैं, आपा के इशारे ना अब सही नहीं आते। अच्छा, मैं बात कर रहा था, मेरी सालियों में ना सबसे ज्यादा पढ़ाकू ये लड़की है, और मेहनती भी ये सबसे ज्यादा है, क्योंकि ये ब्लॉग भी बनाती है और पढ़ती भी है। और रात में मैं इसका रिजल्ट चेक कर रहा था, वो भी अच्छा आया हुआ था। ये भी नलायक भांडी है, ये भी नलायक भांडी है, वो बस समझदार बच्ची है जो कि अपना ब्लॉग भी बनाती है और पढ़ती भी है साथ साथ। वो ये साला साहब मेरे, हाँ वो भी नलायक भांडा ही है। अब मैं सही करके दे देता हूँ आपको, एक मिनट इधर कर ले, ये इस तरफ आप बैठ जाएं, और इस तरफ कप है, और ये आपका तकिया मैं इधर रख दे, आप पढ़ें दोबारा से नमाज। एक शीशा है जी जिसने मेरी तीन चार दिन से जान खाई, वो है शीशा ये वाला, वो है शीशा ये वाला। किधर रखना है? अभी के लिए इधर रखूंगी। एक इधर रखें? अभी अभी के लिए सिर्फ, अभी के लिए एक इधर रख दें, ठीक है। क्या भाई आयशा मजदूर, चक चक वो वाला शीशा, देखना अकेली उठाएगी, अकेली उठाएगी वो यार, देखना वो उठाती। अजिया अजिया तीन तीन रोटियां खाती, जान बनाई है तभी खाती है। क्यों? बच्चियों को नहीं ऐसे करते, फिर किसे करते हैं? कुछों को करते हैं, बच्चे कुछों को। तो ये बच्ची कुची है ना? इस शीशे के आगे रख दो अभी, ये लो। नहीं इधर, नहीं इधर, जैसे ये कॉर्नर में पड़ा हुआ इसके आगे रख दो। ये टूट जाएगा। अभी टेम्परेरी चाहिए मुझे, सिर्फ थोड़ी देर के लिए, मैंने एक वीडियो बनानी है। बस ऐसे एक लगा दूं पीछे। हाँ बस बिस्मिल्लाह पढ़ के मैं पीछे कर रहा हूँ। ओके, वो देखो, वो देखो, वो भी पीछे जा रहा है कवल। मेरी बात सुनो, इसको आगे उसको निकाल दो, इसको उठाओ। आयशा, आयशा इधर आओ। नहीं आप ही उठाओ जुड़कर, वो ज्यादा वजनी है जुड़कर, वो ज्यादा वजनी है, आप खुद ही उठाओ। नहीं वजनी, आप उठा लेगा वो बर्शेर, क्या हो गया यार? आयशा उठा लोगी? उठा लेगा ये देख कर। ये अभी बाहर ले जा, बाहर ले जा, बाहर ले जा, उधर चेक करो, उठाती हूँ। अभी मैं इसको ऐसे ही रख रूंगी। हाँ अभी के लिए इसको, ठीक है। यस लो जी, दो तीर हैं और दोनों के दोनों निशाने लगेंगे बीचों बीच। ओए थोड़ा सा बच गया, अब लगेगा। ओए यार चेक करो किधर लगे हैं, यहाँ लगे हैं, लगने यहाँ चाहिए थे। चलो कोई नहीं, करीब आता जा रहा हूँ मैं आहिस्ता आहिस्ता। क्या तुम लेकर घूम रही हो? तुम्हारे नोट्स हैं क्या? है फिर हैं ये क्या है? ये वो खेलते नहीं, पाँव ऊपर रखते दो। हाँ 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 हाँ, ये वो है। ये कौन लेकर आया है?
मैं बनवा कर लाई थी। मैं लेके आई थी, झूठ बोल रहा है। मैं लेकर आई थी, झूठ बोल रहा है। क्या हो, तूने जेंडर ही अपना बदल दिया है। मैं लेके आया था। क्या था? मैं लेकर आई थी, झूठ बोल रहा है ये। कहा मैंने था लेके यार, झूठ बोल रही है। कितनी बड़ी, अच्छा क्यों लेकर आए हो? ये पैरों के निशानों का क्या करना है? खेलना है ये, देखो ये हाथ का निशान। अच्छा 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 अच्छा, ये तुम लोगों ने क्या तमाशा बना लिया? जब भी आते हो इधर या फिर मैं उधर जाता हूँ, कोई ना कोई गेम ही निकाली होती है। पैसे तो जीतते हैं ना, पैसे पूछे कोई नहीं हिसाब किताब भाई। तुम लोगों को पैसे खिला खिला के ना मैं खुद नंगा हो गया हूँ। अगर वैसे खेल लिए तो वैसे खेल लेते हैं। ये कपड़े फिर कहाँ से मांगे? ये कपड़े ब्रो मांग के नहीं पहने, ये मेरे स्कूल की शर्ट है। स्कूल की शर्ट मैंने रिपीट, मुझे लागे रही थी गवर्नमेंट स्कूल की है ना। गेम खेलनी है तो खेलो स्पून से, मैंने पैसे पूसे नहीं लगाने। पैसे लगने हैं, पैसे नहीं लगने। 50,000 रुपए ओ बड़ो जाके, फिर मैं जा रहा हूँ। 50,000 रुपए खुद ही खेल लेंगे कमल आपी के साथ। कमल यार ये चेक करो यार, कहते तुम पैसे लगाओगे तो हम खेलेंगे, इसे को ऐसे ही खेलो मेरे साथ। नहीं मैं नहीं पैसे लगा। मैंने 500,000 चलो निकल जाके। अब नहीं आना। क्यों? क्योंकि अब मैं अपनी मर्जी से खेलूंगा। तुम लोग हो गए हो बहुत ज्यादा लालची। ये क्या हुआ? लालची जो इंसान होता है ना वो फिर भाई खूह में ही जाता है। हम ये कह रहे कि चैलेंज में पैसे लगा ले, बस जो जीतेगा उसे ही मिलेंगे। इसमें कौन सा लालची पाने है? पैसे नहीं, वैसे खेल, वैसे कब खेल, मजे ही नहीं आता। पैसे लगा के हमने गेम खेल लिया, वरना खेल जो मैं खेलना है नहीं ले खेल ली खेल ली अस्तगफिरुल्लाह जा वापस खेली भी है और पैसे लगा भी खेल पैसे लगा नहीं पैसे लगा के खेल लिया पैसे पैसे खेल लिया पैसे के बगैर मजे नहीं आता। पैसे लगा के खेल लिया ये हमें नहीं पता यार। पैसे के बिना अगर खेल लिया पैसे लगा के पैसे लगा के चलो पैसे के बगैर खेल नहीं आए उठे नहीं अब नहीं मैंने पैसे के बगैर भी खेल ये क्या है पैसे के बगैर भी नहीं खेल फिर इसका मतलब पैसे लगा के खेल लिया मत कर दो मिनट बैठ के फिर चलूंगा वाह अब ये नहीं चांस है चलो क्या खिदमत करनी है बताएं ये पाउंड बात मुझे मारने लगे हैं ये चूंडियां काट रही है। चलो यार इनसे ऐसे जान नहीं छूटनी। अरे क्या बात है जी, बच्चों ने तो पहले ही सेटिंग बना कर रखी है, ये टेप के साथ चिपकाए हैं नीचे। वाह भाई इसने कोई काम नहीं किया। नहीं बोलता है तुम्हें काम नहीं ना किया इसलिए बोल रहा है कि नहीं किया है। तुम तीनों ने किया ना? तीनों ने किया। हां किया इतना। ये वैसे ही हट आराम है, हट आराम। इसको ना फुर्सत ही नहीं है, पता नहीं कौन सी इसके साथ पट गई है, उसके साथ ही चैट पे लगा रहता है। जब देखो चैट ऐसे ही है ना। मोबाइल देख रहा था इतना बड़ा, मोबाइल देख नहीं रहा था, चैटे कर रहा था तू। चलो आओ यार शुरू करते हैं। अब इसका क्या करना है, कौन पहले करेगा? कौन दूसरा? तुम पहले, फिर अब्दुलरहमान, फिर अब्दुलरहमान, फिर मेरी, फिर तुम दोनों की। ठीक है? नहीं आप बड़े हैं सबसे। तो बड़ा हूँ तो फिर क्या हुआ, बड़ा मीट में आ रहा है ना यार। ठीक है ना, पहले ये दोनों छोटे कर ले, फिर मैं करूंगा, फिर तुम दो करना। चल भाई ये मैं शुरू कर। चल चल शाबाश, जंप करनी है। ठीक है ना, जंप करनी है। 3, 2, 1 एंड गो। ओ दो हाथ लग गए। चल पीछे हो, चल 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 पीछे हो। चल भाई अब्दुलरहमान, 3, 2, 1 गो। ये ठीक है, ठीक है। ओ जी ओए, वाह भाई वाह। ये लोग ना पहली प्रैक्टिस करके ना मुझे बुलाने आए थे, है ना? बड़े चलाक हो तुम लोग, मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है ये। मैंने एक दफा भी नहीं किया। तुमने नहीं किया? चलो ठीक है, मेरी बारी। ये क्या ये पाँव लग गया? नहीं। वही वही, ओ जी ओए,
जी ओए चमचड़ी किने कर दिखाया भाई। अभी तक दो विनर हैं, एक जारा और एक अब्दरमान। चल भैया आशा अब तू किस तरह से है गो यार ये नहीं आनी चलेगी। चल ओए हाँ ना यही तो मात होती है यार। हम तीनों तो फोसड़ निकले हैं, इमन आयशा और मैं, ये दोनों विनर हैं। प्राइस हाँ जी। ये तुम लोगों का प्राइस पता क्या है? नहीं वो नहीं हमें चाहिए। इधर आओ इधर आओ इधर आओ कवल। यार वीडियो बाद में बनाना, पहले इनको प्राइस दो। क्या प्राइस दो? कितना बड़ा प्राइस है? दो 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 यार प्राइस दो। ये दोनों गट्ठे खड़ा करो। ओए भागी है, ओ भागी है, दूसरी भागी है। इधर आ प्राइस, इधर आ प्राइस। ओ भागी है, भागी है। ओ लड़ भैया, ओ कमल तेरी कदरा फेल लड़ भैया। ओ कमल ओ तेरी कदरा फेल लड़ भैया। नहीं ये ओ तेरी कदरा फेल लड़ भैया। शौकी ना हुआ कर ज्यादा। हां तू ना हुआ कर, ना हुआ कर शौकी। चल ले चल, जा के काम कर। तेली अजीब शोखी तू क्या है? मैं तेली तो तुम आचस। हाँ मैं हेल्दी हूँ, तेरी जैसी तेली नहीं बनी। भैंस 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 तू कैंडल कैंडल। ओ भाई पापा की कैंडल यही कहते हो ना घर में? बस मैं हाँ यही कहती हूँ। पापा की तो हो ना, तुम तो पापा की भी नहीं हो। तो ये किसकी है? पता नहीं, मैं आपको बताती हूँ। हम इसको रियलिटी इसकी बताते हैं। ये ना बाहर एक दफा हम लोग बाजार जा रहे थे, वहाँ पे पड़ी हुई थी यार। ये बहुत पुरानी स्टोरी है ना, बच्चों को ना सुनाया करो। बच्चों ही पता लग गया ना, सी कूड़े तो चुके गए ना, सी बाजार हो चुके। अच्छा बच्चों को पता लग गया तो वो देखा सर। अगर बच्चों को पता लग गया तो बच्चे चुप करके इसे सीरियस ना ना ले। हाँ। रोने लग जाती है जब हम इसे ये कहे तो। ओह माय गॉड, इस तरह रोती है। मम्मा को बुला लेगी, मुझे के मुझे कह रहे कचरे वाले। अब मीटिंग के लिए तो तुम मेरे साथ चल रही हो। हाँ जी। लेकिन मेरा दिल ये था कि मैंने वापसी पर खचत भी करवाना है अपना। तो फिर वापसी का क्या सीन करोगी तुम? लोकल आ जाओगी? नहीं मैं क्यों लोकल आऊंगी? तो फिर लोकल आओगे तो मैं वहाँ से राइड करवा कर आऊंगा। और अभी खत क्यों करवा रहे हो? मैंने कहा था एजल की टिंट करवानी है ना, तो एजल को साथ लेके। एजल की टिंट कोई नहीं करवानी। क्या मतलब क्यों नहीं करवानी? नहीं करवानी यार, वो बुरी लगेगी। इतनी अच्छे बाल लग रहे हैं उसके। अल्लाह माफ करे, कोई बुरी नहीं लगती है। बुरी टिंट में हर बंदे बुरा लगता है। एक उसकी टिंट करवाई भी है, उसके बाल आपको पता थोड़े से। तो कमल शुरू में ही करवा लेनी चाहिए थी ना यार। ये था मेरी बात सुनो, जब पहली टिंट करवाई उसके बाद अकीका, अकीके के बाद पता नहीं क्या ईद आ गई, बाद बड़ी ईद आ गई, फिर ये तो सारी जिंदगी ये सापे रहने हैं। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम टिंट ना करवाती, तुम्हें तभी टिंट करवा लेनी चाहिए थी। अभी भी हमारे बहुत से प्लान्स हैं, तो अगर तुम उसकी टिंट करवा दोगी तो वो अच्छी नहीं लगेगी यार। इसलिए मैं कह रहा हूँ टिंट ना करवाओ। अच्छी लगेगी? टेंशन कैसे अच्छी लगेगी? बहुत अच्छी लगेगी। नहीं टिंट नहीं बस करवानी यार, टिंट के मामले में तेरी मेरी लड़ाई हो जानी है। मैं कह रहा एक टिंट हुई है तो इसका मतलब क्या है? कोई मसला नहीं, मेरी भी एक टिंट हुई थी बचपन में। वो बच्चियों का सीन और होता है, लड़कों का और होता है, लड़कियों का और होता है। यही उम्र है, ठीक है, यही उम्र है बच्चों को करने की, बाल उतरवाने की। लेकिन फिर भी टिंटे नहीं करवानी? अच्छा जब बड़ी होगी तो फिर बड़े होगी तो हम टिंट नहीं, बड़े होकर भी नहीं करवानी, बस जो होनी थी हो गई है। पागल हो तुम यार, तुम पागल हो यार, नहीं करवानी। मैं कह रहा हूँ बुरी लगेगी वो। फैमिली की सेटिस्फेक्शन के लिए करवानी है। कौन सी फैमिली की सेटिस्फेक्शन? सारे घर वाले कह रहे हैं टिंट करवाओ इसके बाल जरा सही आएंगे, टिंट करवाओ इसके बाल जरा सही। अभी सही नहीं है, अभी अच्छे है बाल, लेकिन अभी बारीक है, बारीक है, मोटे आएंगे बाल उससे। यार एक वखरे ही से आपे हैं, लेकिन मैंने नहीं करवाने देनी टिंट, मैं बस बता रहा हूँ, नहीं करवाने देनी बस। मीटिंग के लिए जी मैं आ चुका हूँ, बस इंशाल्लाह 15-20 मिनट में यहाँ से हम लोग हो जाएंगे फ्री। खाना शाना खाकर और मीटिंग वगैरह करके हम लोग हो चुके हैं फ्री। बैठने का प्रोग्राम तो था सिर्फ और सिर्फ 15-20 मिनट का, लेकिन जब बैठते हैं तब उठने को दिल नहीं करता, गपशप लंबी जाती गई, फिर हम लोग भी बैठे रहे सुकून से। बस अब वेले शेले होकर जा रहे हैं वापस घर। घर आते ही जी एक टेंशन बन गई है कि माँ जी ने अब्दुलरहमान को थोड़ा सा डांटा है, वो जनाब गुस्से में बाहर निकल गए और पिछले 1 घंटे से ये लोग उसको 1.5 घंटे से डेढ़ घंटे से उसको कॉल्स कर रहे हैं, वो कॉल्स नहीं उठा रहा और ना ही उसका कोई अता पता है। पूरा घर छान मार है, मिल ही नहीं रहा। गया किस साइड पर है ये चेक कर लेते कम से कम। कॉल्स कितने की हैं? कोई 10-12 मैंने की हैं, पुप्पो ने 20 कर लिया। आपने की हैं? तेरा मैंने की हैं। क्या आपने कितने की हैं? आप मैंने 20 कर लिए हैं। उसको कॉल जा रही है लेकिन उठा नहीं रहा। नहीं उठा नहीं। तो तुमने की है? तुम्हारी उठा लेगा। कहाँ की है? मैंने मैसेज भी किया कि पापा को बता दूंगी घर आओ वापस। कोई रिप्लाई नहीं।
कोई रिप्लाई नहीं कर रहा। 15 कॉल्स पे भी कोई। तो ना कैमरास को ऑन करके चेक करो कि वो गया किस साइड पर है। आजकल के बच्चे जो है ना अल्लाह खैर करे कहीं तो फुटो आजकल के बच्चे ना चपेड़े पड़नी चाहिए। ये हरकतें तो सही नहीं है यार, कि आपको थोड़ा बहुत डांट डपट हो तो आप बाहर निकल जाओ। भज्जन वाली आदत नहीं सही। और वैसे भी मामू नदीम को कॉल करके बताए इसकी ये हरकत। ये देखे रिंगिंग हो भी रहा फिर भी नहीं उठा रहा। नहीं उठा रहा, चवले मारता है यार। पीछे मैं कैमरा में देखता हूँ कि गया किस साइड पर है। मैं उन जनाब को अभी भाई ढूंढने के लिए जाने लग रहा था और जब भी मैंने कैमरा की रिकॉर्डिंग चेक की है तो वो जनाब यहाँ से गुजर कर छत पर चले गए। अब छत पर क्या कर रहा है ये मैं जाकर चेक करता हूँ और उसको चपेड़े भी मार के आता हूँ। ओए तेरा दिमाग खराब है। और चेक करो किधर चढ़ के बैठा हुआ है यार ये छत पे। ओए पीछे हो गिर जाएगा नीचे। अब दरमान इसको मैं ऊपर जाके पूछ के आता हूँ यार ये कितना बगैर है गिर जाएगा नीचे। अदिया ते मैं हड्डियां बनता हूँ यार। चेक कर क्या पागलपन है यार आजकल के बच्चों का। लाइट जलाता हूँ, लाइट भी नहीं जल रही। ओ तेरा दिमाग खराब है वे किथे बैठे हैं इधर आ चल इधर इधर क्यों बैठा हुआ है यार गिर जाएगा मैं कह रहा हूँ ना। ये कोई बैठने की जगह एड्डी वड्डी छत छड़ के इत्थे बैठे हैं इधर आ चल चल ऊपर आ शाबाश ध्यान से वो दो मंजिला नीचे गिर जाना था यार तूने अभी पागल है तू हैं। ये को बैठने की जगह है यार अजीब चवले मारता इतना कौन सा गुस्सा आ गया यार। चेक कर कपड़े गंदे एक डेढ़ घंटे से तुझे कॉल कर रहे हैं कि कितने में कितने में हुआ कि ये दस डांट डपट पड़ती है इसका मतलब ये तो नहीं है कि तू इधर आकर बैठ जाए। छत पे भी नहीं बैठा बैठा हुआ क्या बता तो सही। गिर जाना सी थोड़ा सा झटका ना लगे बंदा थले डिग जाएगा यार क्या हुआ है हैं। ब्रेकअप हो गया। किसका ब्रेकअप हो गया क्या तो ब्रेकअप हो गए हैं किसका ब्रेकअप इसका ब्रेकअप पता नहीं। तो माँ जी की डांट का कोई टेंशन नहीं है उसकी वजह से नहीं अपने ब्रेकअप की वजह से आया दोनों की वजह से दोनों की वजह से शाबाश गया। हम इतना परेशान हुए थे बात कर रहा था उसकी वजह से कह रहा है वही आप दिमाग हैं ब्रेकअप क्या हुआ है बता ना हमें बता तो सही बात क्या हुई है। अच्छा चल दस क्यों कैसे ब्रेकअप हुआ है चल बता कैसे हुआ है बता बस क्या बता कैसे जैसे होता है कैसे होता है बता पहले कैसे होता है छोड़ दिया छोड़ कैसे गई है ब्लॉक कर दिया इसलिए इधर आकर बैठ गया। शाबाश बैठने से अनब्लॉक हो जाएगा। हाँ अनब्लॉक हो जाएगा इधर बैठने से या घर वालों से बदतमीजी करने से अनब्लॉक हो जाएगा। पागल यार आजकल के बच्चों का दिमाग चेक करो बस। पहले ये कितनी देर से बात कर रहा था उस लड़की के साथ 3-4 महीने हुए हैं रोजों से पहले का। कितनी उम्र है इसकी 16-17 साल ना। चल चल अरे अब्बा जान को तो मैं तेरी शिकायत लगाऊंगा। चल पढ़नी चाहिए 1.5 घंटे से हम लोग ना इसकी टेंशन ले रहे थे कि गया किधर है और क्यों गया है। ऊपर आके पता चला है तो ब्रेकअप की वजह से टेंशन लेकर ऊपर इधर छत के किनारे पर आकर बैठ गया जहाँ बस थोड़ी सी हवा का झोंका आएगा और ये नीचे गिर जाएगा। चला गया नीचे पता नहीं क्या यार आ जाओ सारे टेंशन चिल्लाया ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਗਏ ਆ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਪੁੱਤ। ਮਾਮਾ ਵੋ ਆਪਕੀ ਡਾਂਟ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਨਹੀਂ ਉਦਾਸ ਹੁਆ ਪੁੱਛੇ ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਹਮ ਲੋਗ ਵੀ ਹੱਸਣ ਕੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਹੋਇਆ ਜੀ ਉਹ ਕੀ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਤਲਬ ਕਾ ਪਤਾ ਮੈਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਛੱਡੋ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਹੋਣਾ ਥਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪ ਸ਼ਦਾਨਾ ब्रेकअप इसका हो गया लड़के के साथ। सुन लिया ब्रेकअप हो गया यार ਤੁਸੀਂ ਹਲੇ ਵੀ ਲਾਤੇ ਬੇਟੇ ਚੱਟ ਮਾਰੋ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸੀਨ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਹਲੇ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਕਰਦਾ ਫਿਰ। ਓ ਯਾਰ ਬੱਚਾ ਹੈ ਵੀ ਯਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਖੈਰ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਕਰਤੇ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਪਲਾਨਿੰਗ ਹੈ। ਚਲ ਸ਼ਾਬਾ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੇ ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਮੋੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੰਦੇ ਖਲੋਂਦੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜੀ ਹਾਂ। चल मुड़ के चलो खैर अब सुलह सफाई हो गई है तेरी माँ जी से भी। माँ जी आपने नहीं अब इसको डांटना ठीक है ना। फोन कीते सब ने कीते सानू टेंशन चलाया। चल अब जाके मुंह छू दो चल जा फ्रेश हो जा मार खा तुझे बाहर से कुछ खिला के लाते यार इसको आइसक्रीम खिला के लाते ठीक है। चलो चल जा जारा की तरफ से क्यों ट्रीट कौन सी ट्रीट जारा के 10K सब्सक्राइबर 10K सब्सक्राइबर हो गए बस फिर आइसक्रीम ये खिलाई वो यार ये तो सो गई यार। फिर तू बात सुनो 4 बजे तक सोना बात सुनो इसकी तरफ से ट्रीट बन रही है ना। फिर ये आइसक्रीम खिला खिलाती है
उठो जी आइसक्रीम खाने चलते हैं। चलो खानी है बस। नहीं खानी नहीं है, खिलानी है तूने। नहीं नहीं खिलानी है बेटा, पैसे भी प्लान हमारा था जी आइसक्रीम खाने का, लेकिन जब ही बाहर आए तभी सबको भूख भी लग गई है, इसलिए अब पहले खाएंगे शवरमा और बाद में खाएंगे आइसक्रीम। और एजल भी उठ गई है जी, इसलिए वो हमारे साथ भी आ चुकी है। ये क्या होता है शवरमा? यस बिल्कुल नैन भाई, तुझे अस्तगफिरुल्लाह के अब तो करी शवरमा। खैर इनका लड़ाई वाला किया आपने? किसका? हाँ ये दोपहर में जब लड़ रही थी दोपहर में लड़ रही थी ये दोनों, ये पहले भी हमारे घर आकर लड़के गई थी, पता है ना तुम्हें। फिर लो लो दूर 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 हाँ जरा पी और मेरी डील हो गया। क्या इसमें क्या मेरी मुंह वाली बबल अगर तू खा लेगी मैं तुझे आधा शवरमा दे दूंगी। जारा की मुंह वाली ये खाएगा तो मैं इसे अपना आधा शवरमा दूंगी। तूने क्या खा लूंगा? अबे गंदा तरीन आदमी आधे शवरमे के लिए इतना गंद खाएगा। कहते कोई मसला नहीं बहन है, बहन क्यों खा सकता हूँ, लेकिन थूक थोड़ी ना खा सकता उसका गंदा। ओए चेक कर, ओए वो कौन कौन गंद पे ऐसा कर रहा है, देखो कौन कर रहा है, चेक करो। इस लड़की को पहचान है? पहचानो वो थूक वाली बबल से इतना आ कर रही है। दे दो यार आधा आधा खाना था, अभी तो एक नवाला लिया, एक नवाला खा लिया, आधे से ज्यादा खा गई हो। थैंक यू आपका ये खाने का। आए थैंक यू सारा, आज तो ट्रीट का मजा ही आ गया जनाब। मुझे भी नहीं आया। नहीं आया तुझे कैसे आएगा, तेरा तो ब्रेकअप हुआ है। अब देखो कैसे इसकी स्माइल निकल रही है, पहले देख रहा मुंह बना होता मेरा ब्रेकअप हो गया। कोई मसला नहीं, चल गया तू नहीं थी तेरी याद ही सही। मैं ना यार सारा दिन घर में सॉक्स के साथ घूमता रहता हूँ, रात के वक्त में मेरी सॉक्स की हालत आप चेक किया करो, बहुत ही गंदी हो जाती है। अभी ये इतनी गंदी नहीं लग रही क्योंकि ये नई सॉक्स है, इसलिए थोड़ी बहुत बचत हो गई है। यहाँ पर ही अगर कोई व्हाइट कलर की पुरानी सॉक्स होती ना तो उस पर इतना ज्यादा कचरा लगा होना था मेरे पाँव के नीचे कि शायद किसी दिन मैं आपको दिखाई दूंगा, कल या परसों में दिखाऊंगा कि कितना ज्यादा कचरा लगा होता है। क्योंकि नंगे पाँव मुझे घूमना अच्छा नहीं लगता, चप्पल हम लोग घर के अंदर लेकर नहीं आते, इसलिए फिर मैं सॉक्स पहनकर ही घूमता रहता हूँ। खैर हमारे आशिक भाई तो अभी सुकून से खा पी कर सो चुके हैं। यार बच्चों का ये होता है कभी कभार ऑफ जाने वाला सीन, और हर बच्चा अलग तरह की तबीयत का मालिक होता है। ऐसे ये जो मेरे साला साहब है ना, ये भी अलग तरह की तबीयत के मालिक है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, बहुत ज्यादा पजेसिव है, बहुत ज्यादा गुस्से वाले हैं, इतनी बात को बर्दाश्त नहीं कर रहा होता। तो जब भी कोई ऐसी मुश्किल आन पड़े ना, अपने बच्चों को बहुत ही तहम्मुल मिजाजी से प्रोटेक्ट किया करें, बिकॉज़ उस वक्त बच्चे को आपकी जरूरत होती है। और आजकल की जो जेन जी आई हुई है ये तो भाई अजीबो गरीब है, इधर तो 16-17 साल के बच्चे अपने अपने रिलेशनशिप लेकर चल रहे होते हैं, और आजकल तो सोशल मीडिया पर इतनी उम्र के बच्चे शादियां भी कर लेते हैं, घरों से बाहर भी जाते हैं। अल्लाह अकबर भाई, जेन जी की बात हो रही है ना। खैर अभी आज का व्लॉग यही था, आई होप कि आपको मेरा व्लॉग पसंद आता होगा, और भाई की डेली की एफर्ट जो करता है आप सबके लिए उसको आप सराहते भी हैं। कमेंट सेक्शन में भी मैं हर बंदे का कमेंट पढ़ता हूँ, हर बंदा बहुत ज्यादा दुआएं देता है, बहुत ज्यादा प्यार करता है। और दुल्कर नैन आर्मी थैंक यू सो मच, मेरे पास वर्ड्स नहीं है जितना प्यार आप दिखाते हैं, जितना प्यार आप बरसाते हैं, जितनी मोहब्बत आप लोग करते हैं। बाकी इजाजत है, कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह। ब्लॉग की एंडिंग करने के चक्कर में जो चीज किचन में करने आया था वो तो भूल ही गया था मैं।